अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज ज़ाफ़रान साजिद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप सबका वेलकम करता हूँ। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम MTH 501 के इंपॉर्टेंट शार्ट सीरीज ऑफ लेक्चर में लेक्चर नंबर 26 को आप लोगों के सामने डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर्स के लिंक्स आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, आप उन्हें यहाँ से ओपन करके देख सकते हैं। इस लेक्चर में हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है चेंज ऑफ बेसिस। चेंज ऑफ बेसिस का क्या मतलब है कि किसी भी वेक्टर स्पेस की जो एक से ज़्यादा बेसिस होती हैं, अगर हम उनको एक दूसरे में कन्वर्ट करना चाहें तो हम कैसे करेंगे। मेरा कहने का मतलब यह है कि लेट सपोज हमारे पास कोई वेक्टर स्पेस V है और उसकी कोई सी भी दो बेसिस है, ठीक है। एक बेसिस को दूसरी बेसिस में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या प्रोसीजर यूज़ करना चाहिए, ठीक है, और वो कैसे कन्वर्ट होती हैं, इसी हवाले से आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कशन करनी है। अच्छा, इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक दो डेफिनेशन हैं जो कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिटेल के साथ डिस्कस किए हैं, ज़रा हम उनको रिमाइंड कर लेते हैं ताकि आज के इस लेक्चर में हमें प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी वेक्टर स्पेस की बेसिस क्या होती है, ठीक है। मैं लेट करता हूँ कि हमारे पास वी जो है ना वो कोई वैक्टर स्पेस है और ये जो वैक्टर स्पेस है आपको इसमें वैक्टर्स होंगे। इस वैक्टर स्पेस में से हम कोई सेट ऑफ वैक्टर्स लेते हैं, उन सेट ऑफ वेक्टर्स को मैं कैपिटल बी कह देता हूँ। आप कोई से भी नेम दे सकते हैं, B1, B2, अप टू सो ऑन BN। ये जो हमारे पास सारे वेक्टर्स हैं B1, B2, अप टू BN, ये वेक्टर स्पेस V से बिलोंग करते हैं। अगर ये जो सेट ऑफ वेक्टर्स हैं अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, ठीक है, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, ये पहली कंडीशन है, और अगर हमारे पास ये जो सेट ऑफ वेक्टर्स है इनको यूज़ करके हम पूरी जो वेक्टर स्पेस है उसको हम जनरेट कर सकें, मतलब स्पैन ऑफ B1, B2, अप टू BN, अगर ये वेक्टर स्पेस V के बराबर आए। ये स्पैन का यही मतलब है कि हमारे पास ये जो सेट ऑफ वेक्टर्स हैं इनके जितने भी लीनियर कम्बिनेशंस हैं वो मिलके पूरी वेक्टर स्पेस V को जनरेट करें। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं फॉर द गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स जो कि वेक्टर स्पेस वी से बिलोंग करते हैं, तो हम कहेंगे कि ये जो हमारे पास सेट ऑफ वेक्टर्स हैं ये बेसिकली वेक्टर स्पेस वी की बेसिस हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो बेसिस है उसकी डेफिनेशन की अंडरस्टैंडिंग होगी है। अब एक और हमारे पास डेफिनेशन है जो कि हमने लेक्चर नंबर 23 में पढ़ी थी, ज़रा इसको मैं जो है ना वो रिमूव करता हूँ और लेक्चर नंबर 23 जो है उसको ओपन कर लेता हूँ। अब पेज नंबर है 309, इसको आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे लेक्चर नंबर 23 आ जाएगा। कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हमने यहाँ पर एक डेफिनेशन पढ़ी थी, डी कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स। डी कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स क्या होता है, ज़रा ये डेफिनेशन मैं पहले आपको यहाँ पे लिख के समझाता हूँ, उसके बाद फिर यहाँ पे जो लिखा है वो मैं आपको बता दूंगा। अगर हमारे पास जो है वो वी कोई वेक्टर स्पेस है, ठीक है, वी हमारे पास कोई वेक्टर स्पेस है, ठीक है, और इस वेक्टर स्पेस की अगर हमारे पास जो बेसिस हैं वो ये बी सेट है, ठीक है, बी हमारे पास जो सेट ऑफ वेक्टर्स है ये वेक्टर स्पेस वी की जो है ना ये बेसिस है, ठीक है। बेसिस होने का क्या मतलब है कि वेक्टर स्पेस वी में से हम कोई सा भी एलिमेंट लेते हैं, कोई सा भी वेक्टर लेते हैं, तो उसको हम इन बेसिस के लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि हम लेट करते हैं कि हमारे पास एक्स जो है वो कोई एलिमेंट है, कोई वेक्टर है जो कि वेक्टर स्पेस वी से बिलोंग करता है। तो इसका क्या मतलब है कि इस एक्स एलिमेंट को बाय यूजिंग सम वेट्स C1 B1 प्लस C2 B2 प्लस सो ऑन CN BN, ठीक है, किसी भी हमारे पास वेक्टर स्पेस की जो बेसिस होती हैं, बेसिस का ये मतलब होता है कि उस वेक्टर स्पेस V का कोई सा भी हम एलिमेंट लें तो उन बेसिस के लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकें, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो C1, C2, आपको C यानी वेट्स हैं ये बेसिकली इस X एलिमेंट के B कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने ये B कोऑर्डिनेट्स का मतलब है कि इन बेसिस के रेस्पेक्ट से जो हम कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं, ठीक है। अब जरा मैं डेफिनेशन को आपके सामने यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। जो डेफिनेशन लिखी है यहाँ, सपोज दैट द सेट V इज इक्वल टू B1, B2 अप टू BN इज अ बेसिस फॉर वेक्टर स्पेस V। मैंने यही बताया था ना कि वी हमारे पास कोई वेक्टर स्पेस है और उसमें से हमने कुछ सेट ऑफ वेक्टर्स लिए हैं जिनको हमने कैपिटल वी कह दिया, और ये जो कैपिटल वी सेट है ये इस वेक्टर स्पेस वी की बेसिस है, ठीक है, और एक्स हमने वेक्टर स्पेस वी में से कुछ एलिमेंट लिया है, कोई वेक्टर लिया है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स रिलेटिव टू बेसिस बी, मतलब एक्स के कोऑर्डिनेट रिलेटिव टू बेसिस बी
और इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं द बी कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स आर द वेट्स सी वन सी टू अप टू सी एन सच दैट एक्स कैन बी रिटन एज द लीनियर कम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर ऑफ द बेसिस। ओके, एक्स हमने जो वेक्टर स्पेस वी में से लिया था उसे हम जो है ना वो इन बेसिस के लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। और ये जो सी वन सी टू अप टू सी है ना, ये बेसिकली वेट्स है इस लीनियर कम्बिनेशन के, और इनफैक्ट ये हमारे पास एक्स के बी कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, या कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स रिलेटिव टू बी है, ठीक है। यहाँ पे जरा मैं नीचे दिखा देता हूँ कि इनको हमने लिखा कैसे है। ओके, इफ सी वन सी टू अप टू सी एन आर द बी कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स देन द वेक्टर इन आर एन, ये जो एक्स हमारे पास एलिमेंट था इसके बी कोऑर्डिनेट्स, यहाँ पे जो सबस्क्रिप्ट में बी लिखा हुआ है इसका मतलब है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू द बेसिस बी, या ऐसे हम बी कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स भी कह सकते हैं, इज इक्वल टू सी वन सी टू अप टू सी एन, ठीक है। होप सो कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि किसी भी वेक्टर स्पेस की जो बेसिस हैं उनको यूज़ करके हम किसी भी वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स के कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। अब जरा मैं लेक्चर को ओपन कर लेता हूँ, जो लेक्चर नंबर 26 है, ये हमारे पास चेंज ऑफ बेसिस आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। आज के इस लेक्चर में हमने देखना है कि किसी भी वेक्टर स्पेस की अगर लेट्स सपोज दो बेसिस हैं तो एक बेसिस से दूसरी बेसिस में हमने कैसे जाना है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है, इन दिस सेक्शन वी स्टडी हाउ सी कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एंड बी कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स आर रिलेटेड फॉर ईच एक्स इन बी, कैसे उनको मतलब उनके दरमियान में रिलेशन क्या है, ठीक है। ये जो हमारे पास सी कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स हैं, ये बेसिकली हमने जो है ना वो सी हमारे पास कोई बेसिस है किसी वेक्टर स्पेस वी की, उसको यूज़ करके हमने एक्स के सी कोऑर्डिनेट फाइंड किए हैं, और उसके बाद बी हमारे पास कोई वेक्टर स्पेस वी की बेसिस है उसको यूज़ करके हमने एक्स के बी कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए हैं। तो हमारे पास इन दोनों के दरमियान रिलेशन क्या है, इसी हवाले से आज हम डिस्कशन करेंगे। ओके, यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले तो कुछ बेसिक एग्जाम्पल्स हैं जो आपको जस्ट समझाने के लिए हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास बी कोई वेक्टर स्पेस है और एक्स हमारे पास उसका एलिमेंट है, ठीक है, और एक्स को हमने बेसिस के लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिख लिया, यहाँ पे 3b1 प्लस 1b2, ये उसने आपको समझाने के लिए यहाँ पे c1 की वैल्यू 3 ले ली है और c2 की वैल्यू 1 ले ली है, ठीक है। उसके बाद चलिए मैं आपको यहाँ पे लिख के समझा देता हूँ ताकि आप कन्फ्यूज ना हो। हम लेट करते हैं कि हमारे पास कोई वेक्टर स्पेस v है, ये हमारे पास कोई वेक्टर स्पेस है, और इस वेक्टर स्पेस की हम कोई सी भी दो बेसिस ले लेते हैं। हमारे पास जो पहली बेस है उसे हम कहते हैं b, और उसके अंदर जो सेट ऑफ वेक्टर्स हैं वो b1 और b2 हैं, और जो दूसरी हमारे पास बेस है उसे हम कहते हैं c, और इसके अंदर जो वेक्टर्स हैं वो हैं c1 c2। ओके, अच्छा, हमने एक एलिमेंट लिया x, x हम कोई एलिमेंट लेते हैं वेक्टर स्पेस v में से, ये बेसिकली वेक्टर स्पेस v से बिलोंग करता है। ये जो x एलिमेंट है इसे हम सबसे पहले ये जो पहली बेस है इसके रेस्पेक्ट से हम लिख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास वेक्टर स्पेस v का कोई सा भी एलिमेंट हम लेते हैं तो जितनी भी बेसिस हों उन सारों के लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो x उसने यहाँ पे लिखा हुआ है x इज इक्वल टू 3b1 प्लस b2, मतलब ये पहली जो बेस है इसके लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में हमने इस एलिमेंट x को लिख लिया, और यहाँ पे जो वेट्स हैं c1 और c2 उसने बता दिए कि c1 की वैल्यू 3 है और c2 की वैल्यू 1 है, ये जस्ट आपको समझाने के लिए, ठीक है। और इसी एलिमेंट को अगर हम इस c बेसिस के रेस्पेक्ट से लिखें तो उसने लिखा हुआ है कि ये 6c1 है प्लस 4c2 है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो इक्वेशन 1 है और जो इक्वेशन 2 है, इसमें अगर मैं यहाँ पे ये जो इक्वेशन 1 है इसकी मैं बात करूँ तो इसमें x के जो b कोऑर्डिनेट्स हैं, क्योंकि यहाँ पे बेसिस b थी ना, तो x के जो b कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या होंगे, मैं इसको ऐसे लिखूँगा x, और यहाँ पे बाहर जो है ना कैपिटल B लिख दूंगा, क्योंकि ये x के कोऑर्डिनेट्स हैं विद रिस्पेक्ट टू द बेसिस b। बेसिकली क्या है, यहाँ पे जो वेट्स हैं एक 3 और दूसरा 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली इस एलिमेंट इक्वेशन नंबर 2 के अंदर जो एक्स एलिमेंट है उसकी अगर मैं कोऑर्डिनेट्स लिखता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो बेसिस है वो सी है ना, तो यहाँ पर सबस्क्रिप्ट में कैपिटल सी आएगा, ठीक है। कैपिटल सी इज इक्वल टू मतलब एक्स के कोऑर्डिनेट्स विद रिस्पेक्ट टू द बेसिस सी, तो हमारे पास यहाँ पे c1 का कोफिशियंट 6 है और c2 का कोफिशियंट यहाँ पे 4 है, ठीक है ना। ये जो कोफिशियंट्स होंगे बेसिकली ये वेट्स होते हैं ना, तो यही बेसिकली जो है ना किसी एलिमेंट्स की कोऑर्डिनेट्स बनाते हैं। अच्छा, यहाँ पर उसने ये लिखा हुआ है एक्स
के कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू बेसिस बी ये हैं और एक्स के कोऑर्डिनेट्स विद रिस्पेक्ट टू बेसिस जो है ना सी वो ये, ठीक है। अब हमने इन दोनों को रिलेट करना है कि ये दोनों किस तरह से इक्वल होंगे, हमारा यही काम है, ठीक है ना, आज के इस लेक्चर में। और वो कौन सा प्रोसीजर होगा जिसके ज़रिए ये इक्वल हो सकते हैं या एक को दूसरे में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को, आगे मूव करते हैं। यहाँ पर ये ग्राफिकली इसको शो किया हुआ है, ठीक है, इसको यदि आपके काम का नहीं है इसको आप छोड़ सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर वन पे आते हैं, एग्जाम्पल वहाँ पे तो जस्ट मैंने आपको समझा दिया, अब ज़रा एग्जाम्पल नंबर वन पे आते हैं। एग्जाम्पल नंबर वन में हमने क्या करना है जी, देखें ज़रा, कंसीडर टू बेसिस बी इज इक्वल टू बी वन बी टू एंड सी इज इक्वल टू सी वन सी टू फॉर अ वेक्टर स्पेस बी सच दैट बी वन इज इक्वल टू फोर सी वन प्लस सी टू एंड बी टू इज इक्वल टू माइनस सिक्स सी वन प्लस सी, ठीक है। सपोज दैट एक्स इज इक्वल टू थ्री बी वन प्लस बी टू, सपोज दैट एक्स के कोऑर्डिनेट्स विद रिस्पेक्ट टू द बेसिस बी वो हमारे पास थ्री वन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू सी, ये हमने फाइंड किया। कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले तो मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है वी और इसकी दो बेसिस हमने ली, पहली बेस हमारे पास ये है जिसे हमने कैपिटल वी कह दिया और दूसरी बेस हमारे पास ये है जिसे हमने कैपिटल सी कह दिया, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे ये जो कैपिटल बी है जिसके अंदर ये बेस हमारे पास बी वन एलिमेंट है, आप एक फॉर द मोमेंट आप ये कंसीडर करें तो हमारे पास ये बेस नहीं है, फॉर द मोमेंट आपने ये कंसीडर करना है कि ये बेस नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास ये हमारे पास बेस है, तो हमने क्या करना है कि बी वन और बी टू जो है ऑफकोर्स ये वैक्टर स्पेस बी से बिलोंग करते हैं, तो बी वन जो एलिमेंट है वो वैक्टर स्पेस बी से बिलोंग करता है, तो विद रिस्पेक्ट टू दिस बेसिस, क्योंकि बेसिस का क्या मतलब है कि उस वेक्टर स्पेस के हर एलिमेंट को हम इस बेस के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर सी हमारे पास वेक्टर स्पेस है सॉरी बेस है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि वी के जो बाकी एलिमेंट्स हैं उनको हम इस बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो बी वन हमने एक एलिमेंट ले लिया जिसे हमने इसके लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख लिया और यहाँ पे जो वेट्स हैं उनकी वैल्यू उसने दी हुई है 4c1 प्लस c2। सिमिलरली जो दूसरा एलिमेंट है बी टू, ये आपने अभी ये कंसिडर करना है कि ये बी का कोई एलिमेंट है, ठीक है ना, आपने ये नहीं सोचना कि यार ये तो बी के अंदर पड़ा हुआ है, आपने फॉर द मोमेंट ये सोचना है कि ऑफकोर्स ये जो बी के एलिमेंट्स हैं बी वन और बी टू ये वेक्टर स्पेस बी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो बी वन को हम इस बेसिस के लीनियर कम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं और जो बी टू एलिमेंट है जो कि हमारे पास ये भी वेक्टर स्पेस बी से बिलोंग करता है इसे भी हम इस बेसिस के लीनियर कम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं और यहाँ पर जो वेट्स हैं उसे हमें दिखाए हुए हैं पहले, ठीक है ना, बताए हुए। ओके, बी वन और बी टू को हमने जो बेस सी है उसके लीनियर कम्बिनेशन के फॉर्म में लिख दिया। तो यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं कि एक्स हमारे पास कोई एक और एलिमेंट है, ठीक है, एक्स हमारे पास एक एलिमेंट है जो कि ऑफ कोर्स ये भी वेक्टर स्पेस वी से बिलोंग करता है। तो इस एक्स एलिमेंट को हमने क्या किया कि हमारे पास ये जो बेस, अब हम बेस बी की बात करते हैं, ठीक है, इस एलिमेंट को हम ये जो बेस बी है इसके लीनियर कम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे उसने जो वेट्स है उसकी वैल्यू बताई हुई है 3b1 प्लस b2, मतलब वेट्स हमारे पास 3 और 1 है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मतलब ये जो x एलिमेंट है इसके जो b कोऑर्डिनेट्स हैं वो तो हमें पता है ना, क्योंकि हमने विद रिस्पेक्ट टू द बेसिस b जो है ना वो x की कोऑर्डिनेट लिखने हैं, तो यहाँ पे नीचे कैपिटल b आएगा। दिस इज इक्वल टू ये जो कोफिशियंट्स होते हैं जो वेट्स होते हैं इनको आपने इस तरह कॉलम वेक्टर फॉर्म में लिखना, ओके, 3b1 कॉलम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना, ये तो हमारे पास आ गया, ठीक है। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है कि x जो एलिमेंट है उसके विद रिस्पेक्ट टू द बेसिस c जो है ना वो कोऑर्डिनेट्स क्या है, ये हमने फाइंड करना है। क्वेश्चन थोड़ा सा जो है ना वो मैंने डिटेल के साथ आपको समझा दिया, आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये कुछ चीज़ें गिवन है हमारे पास b कोऑर्डिनेट्स ऑफ x जो है ना, मतलब विद रिस्पेक्ट टू द बेसिस b हमारे पास x के कोऑर्डिनेट्स गिवन है और विद रिस्पेक्ट टू द बेसिस c हमने x के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो इसको मैं रिमूव करता हूँ, आगे इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सिंस द कोऑर्डिनेट मैपिंग इज द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो कोऑर्डिनेट मैपिंग होती है ना, ठीक है, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है, तो हमने बेसिकली इसको फाइंड करना है, ये जो हमारे पास है इसको फाइंड करना है। यहाँ पर मैं चलो सॉल्यूशन यहीं पे लिख देता हूँ। हमने एक्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं विद रिस्पेक्ट टू द बेसिस सी ये हमने कैलकुलेट करने हैं, ओके। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू जो है ये वाली ऊपर वाली आप पुट करें, एक्स की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट करता हूँ जो कि है 3b1 प्लस b2 और बाय यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में c लिखा हुआ,
क्योंकि हमारे पास जो कोऑर्डिनेट मैपिंग होती है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है, तो इस सी को हम अंदर लेके जा सकते हैं सी डी वन, और यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में सी आ जाएगा, प्लस यहाँ पे बी टू और सबस्क्रिप्ट में सी आ जाएगा। और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि जो कॉन्स्टेंट होता है वो बाहर आ सकता है, तो कॉन्स्टेंट को हमने बाहर कर दिया, बी वन सी प्लस यहाँ पे ये बी टू है, सॉरी मैंने लिखा नहीं है, बी टू सी। अच्छा, अब हमारे पास ये जो बी वन है इसके जो है ना वो सी कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। यहाँ पे बी वन आपके पास गिवन आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे जो बी वन है उसके, क्योंकि यहाँ पे सी वन और सी टू यूज हुए हैं ना जो कि बेसिस सी से बिलोंग करते हैं, तो बी वन जो है ये हमारे पास, आप समझ रहे हैं ना, बी वन मैंने आपको बताया था ना कि ये वेक्टर स्पेस बी का कोई एलिमेंट है, ठीक है। इसको आप ये मत कंसिडर करें कि यार ये जो है ना वो बेसिस बी के अंदर पड़ा हुआ है, तो ये हमने इसको बी का एलिमेंट कैसे कंसिडर कर लिया है। जो बेसिस बी और सी के एलिमेंट्स हैं वो ऑफ कोर्स वेक्टर स्पेस बी से बिलोंग करते हैं, जो कि सर्टन कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, तो हम इन्हें कहते हैं कि ये बेसिस बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो बी वन है हमारे पास, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं विद रिस्पेक्ट टू द बेसिस सी वो क्या होंगे। फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, बी वन के जो कोऑर्डिनेट्स हैं विद रिस्पेक्ट टू द बेसिस सी, वो बेसिकली यहाँ पे वेट्स है ना, फोर और वन है, तो यहाँ पे फोर आ गया, यहाँ पे वन आ गया। सिमिलरली जो बी टू है इसके जो सी कोऑर्डिनेट्स है, मतलब विद रिस्पेक्ट टू द बेसिस सी जो है ना वो बी टू के जो कोऑर्डिनेट्स है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में सी, ये जाहिर करता है कि बी टू जो एलिमेंट है उसकी हमने बेसिस सी के लिहाज से कोऑर्डिनेट लिखे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो कोफिशेंट्स है माइनस सिक्स और वन उसको मैंने मैंशन कर दिया, तो दोनों वैल्यूज को आपने यहाँ पे पुट करना है, थ्री इन टू पहली वैल्यू फोर वन है प्लस बी टू, मतलब बी टू जो एलिमेंट है उसके बेसिस सी के लिहाज से जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है, माइनस सिक्स वन है, उनको आपने सॉल्व करना है, तो ये ट्वेल्व थ्री हो जाएगा प्लस माइनस सिक्स और वन हो जाएगा, इन दोनों मैट्रिक्स को आप ऐड करें तो हमारे पास यहाँ पे सिक्स और फोर आ जाएगा। ये जो बेसिकली सिक्स और फोर है ये बेसिकली एक्स जो एलिमेंट है ना उसके बेसिस सी के लिहाज से कोऑर्डिनेट्स, इस तरह से हमने इसको फाइंड किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो एग्जांपल नंबर वन है इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। मैंने ट्राई किया है कि मैंने डिटेल के साथ इसको समझाना चाहूँ, तो अगर किसी को समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तो मैं इसको जो है ना वो डिटेल के साथ दोबारा से समझा दूँ, ठीक। यहाँ पर इसका सॉल्यूशन लिखा हुआ है, ये एक्स जो एलिमेंट है उसका हमने बेसिस सी के लिहाज से जो है ना वो कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, तो एक्स की यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी जो गिवन है। उसके बाद क्योंकि हमारे पास जो कोऑर्डिनेट मैपिंग होती है वो लीनियर होती है, जिसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो बी वन एलिमेंट है उसका विद रिस्पेक्ट टू बेसिस सी जो कोऑर्डिनेट्स है वो यहाँ पे लिख दिए मैंने। उसके बाद बी टू जो एलिमेंट है उसके विद रिस्पेक्ट टू सी जो है ना कोऑर्डिनेट्स वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप, यहाँ पर उसने एक स्टेप जो है ना वो एक्स्ट्रा किया, मैं आपको बता देता हूँ वो कौन सा है। हमारे पास यहाँ पे इस स्टेप को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, थ्री बी वन इंटू सी प्लस ये बी टू का कोफिशिएंट वन है, तो मैं यहाँ पे वन लिख सकता हूँ बी टू इंटू सी। तो यहाँ पर आप, ऑफकोर्स ये जो थ्री और वन है ये वेट्स है ना, और ये हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, तो ये बेसिकली लीनियर कम्बिनेशन लिखा हुआ है, तो लीनियर कम्बिनेशन को हम प्रोडक्ट ऑफ ए मैट्रिक्स एंड वेक्टर लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे जो है ना वो आ जाएगा बी वन और इसके विद रिस्पेक्ट टू सी कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, और यहाँ पे बी टू आ जाएगा, क्योंकि किसी भी लीनियर कम्बिनेशन को हम प्रोडक्ट ऑफ ए मैट्रिक्स एंड वेक्टर लिख सकते हैं, तो इस वजह से यहाँ पर मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया थ्री वन। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही बनेगा, ठीक है ना, जो गिवन है यहाँ पर ये बना। तो बाय द वे ये ना भी लिखें तब भी सही है। अच्छा, खैर, यहाँ पे बी वन के विद रिस्पेक्ट टू बेसिस सी और बी टू के विद रिस्पेक्ट टू बेसिस सी दोनों यहाँ पर मैंने मैंशन कर दिए, ठीक है, इनको आप देख सकते हैं। उसके बाद हमने क्या किया कि यहाँ पर जो है ना डायरेक्ट इधर जो है ना बी वन और बी टू की वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे पास उसके बाद इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे सिक्स फोर आ जाएगा। इस तरह से मैंने कराया, उस तरह से भी कर सकते हैं, और जो यहाँ पे लिखा है इस तरह से भी आप कर सकते हैं। ओके, ये जो एग्जांपल नंबर वन हमने की है इसमें हमने देखा कि हमारे पास किसी एलिमेंट के एक्स के जो है ना वो बी कोऑर्डिनेट्स गिवन थे और हमने सी फाइंड किए, ठीक है। और सी फाइंड करने के लिए हमने ये जो एक मैट्रिक्स है ये हमें मल्टीप्लाई करना पड़ा, ये जो फोर माइनस सिक्स वन वन है इसको हमने थ्री वन के साथ मल्टीप्लाई किया। थ्री वन बेसिकली क्या है, अगर आप गौर से देखें तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। हमारे पास जो थ्री वन है बेसिकली वो एक्स जो एलिमेंट है उसके बी कोऑर्डिनेट्स, ये जो एक्स एलिमेंट है इसके बी कोऑर्डिनेट्स थ्री वन है, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे इस इक्वेशन को अगर आप गौर से देखें तो इस इक्वेशन में
हमारे पास जो x के c कोऑर्डिनेट्स हैं उनको फाइंड करने के लिए हमें ये एक मैट्रिक्स से बीच में ये मल्टीप्लाई करना पड़ा है। इस मैट्रिक्स को जब हमने x के b कोऑर्डिनेट्स से मल्टीप्लाई किया तो हमें x के c कोऑर्डिनेट्स मिल गए। ठीक है, तो ये जो मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स कहाँ से आया है इसी हवाले से हमने ये थ्योरम जो है इसको हमने यहाँ पे देखना है। अभी ये जो थ्योरम है ये बेसिकली इसी मैट्रिक्स को जनरलाइज कर देगा और हमें हर एग्जांपल में पता चल जाएगा यार कैसे यूज होगा। ठीक है, अब जरा थ्योरम पे जाते हैं। थ्योरम की स्टेटमेंट आपने गौर से समझनी है। ठीक है, लेट बी हमारे पास जो है बी वन अप टू बी एन एंड सी इज इक्वल टू सी वन अप टू सी एन बी बेसिस ऑफ ए वेक्टर स्पेस बी। कोई वेक्टर स्पेस बी है उसकी दो बेसिस हैं, एक हमारे पास बी है जिसके अंदर ये सेट ऑफ वेक्टर्स पड़े हैं और एक सी है जिसके अंदर ये सेट ऑफ वेक्टर्स पड़े हैं। देन देयर एग्जिस्ट एन एन क्रॉस एन मैट्रिक्स पी, और पी के यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है बी और ये एरो सी। इसका क्या मतलब है ये मैं आपको थोड़ी देर में समझा देता हूँ। देन देयर एग्जिस्ट एन एन क्रॉस एन मैट्रिक्स पी सच दैट एक्स जो एलिमेंट है उसके सी कोऑर्डिनेट्स दिस इज इक्वल टू पी टाइम द बी कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स। मतलब बी कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स को जब हम पी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सी कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स मिलेंगे। ठीक है, ये ज़रा आप गौर से समझें क्योंकि इसी पर हमारा ये जो लेक्चर है ये बेस करता है। हमारा लेक्चर जो है ना वो छोटा सा है, आसान सा है, इस इक्वेशन पर हमारा जो लेक्चर है वो बेस करता है। वो कहते हैं कि हमारे पास कि कोई वेक्टर स्पेस वी है, उस वेक्टर स्पेस की दो बेसिस हैं, एक बी है और एक सी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास हम वेक्टर स्पेस वी में से कोई एलिमेंट लेते हैं एक्स, एक्स के जो सी कोऑर्डिनेट्स हैं मतलब बेसिस सी के लिहाज से जो उसकी कोऑर्डिनेट्स हैं वो बराबर हैं पी टाइम द बी कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स। ये जो पी है बेसिकली ये जब इस बी कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई होता है तो हमें सी कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स मिलते हैं। मतलब हम बी से सी में गए हैं तो इस वजह से यहाँ पे ये जो नीचे लिखा हुआ है ना बी गोज़ टू सी, इसका ये मतलब है। ये जो हमारे पास मैट्रिक्स पी है ना ये बी कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स को सी कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स में कन्वर्ट करता है। ये जो मैट्रिक्स पी है ये अगर हमें पता चल जाए तो हम किसी भी वेक्टर स्पेस की जो दो बेसिस हैं उसमें हम एक बेस से दूसरी बेस में इजीली जा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो पी मैट्रिक्स है ये किसके बराबर है, द कॉलम्स ऑफ पी मैट्रिक्स जो कि बी से सी की तरफ मूव करता है आर द सी कोऑर्डिनेट वेक्टर्स ऑफ द वेक्टर्स इन द बेसिस बी। ये जो हमारे पास पी मैट्रिक्स है इसके जो कॉलम्स हैं बेसिकली वो क्या हैं, आर द सी कोऑर्डिनेट वेक्टर्स ऑफ द वेक्टर्स इन द बेसिस बी। बेसिस बी के अंदर जो वेक्टर्स पड़े हैं इनके सी कोऑर्डिनेट्स, मतलब बी वन का सी कोऑर्डिनेट क्या होगा, बी वन के साथ हम नीचे यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में सी लिख देंगे, ये बेसिकली बी वन का सी कोऑर्डिनेट बन जाएगा। उसके बाद जो हमारे पास बेसिस बी के अंदर दूसरा हमारे पास एलिमेंट है वो बी टू है, तो बी टू का जो सी कोऑर्डिनेट है मतलब उसके नीचे सी। तो ये जो हमारे पास पी मैट्रिक्स है इसके जो कॉलम्स हैं बेसिकली वो बेसिस बी के अंदर जो वेक्टर्स पड़े हैं उनके सी कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं आप हमारे पास यहाँ पर ये जो हमारे पास पी मैट्रिक्स है दिस इज इक्वल टू बी वन विद रिस्पेक्ट टू सी, बी टू विद रिस्पेक्ट टू सी, अप टू बी एन विद रिस्पेक्ट टू सी। मतलब बेसिस बी के अंदर जो वेक्टर्स पड़े हैं बी वन अप टू बी एन इन सारे वेक्टर्स के सी कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो इस पी मैट्रिक्स के कॉलम है। मतलब पहला जो वेक्टर है वो पहला कॉलम होगा विद रिस्पेक्ट टू सी, जो दूसरा वेक्टर है वो विद रिस्पेक्ट टू सी उसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे होंगे एंड सो ऑन। होप सो कि आपको इस थ्योरम की अंडरस्टैंडिंग हो गई है। द मैट्रिक्स पी जो कि बी टू सी हमारे पास है इन अबव थ्योरम इज कॉल्ड द चेंज ऑफ द कोऑर्डिनेट्स मैट्रिक्स फ्रॉम बी टू सी। मतलब बेसिस बी से सी के अंदर जो कोऑर्डिनेट्स चेंज होते हैं उसे हम चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स कहते हैं फ्रॉम बी टू सी। मल्टीप्लीकेशन बाई पी कन्वर्ट्स बी कोऑर्डिनेट्स इनटू सी कोऑर्डिनेट्स, ये मैंने आपको पहले बता दिया है कि जब हम इस मैट्रिक्स पी को किसी एलिमेंट एक्स के बी कोऑर्डिनेट्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें उस एलिमेंट एक्स के सी कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं। ओके, उसके बाद फिगर में भी ये गिवन है। अच्छा, आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है ना वो बताया गया है कि क्या इस मैट्रिक्स का इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। ये जो हमने यहाँ पर बी कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स के साथ मैट्रिक्स पी मल्टीप्लाई किया है, क्या इस पी का इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। मतलब अगर हम इस पी को इस साइड पे लेके आते हैं तो जो पी इनवर्स बनेगा, पी इनवर्स को हम सी कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर हमें बी कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स मिलेंगे।
तो क्या इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं, इसी वाले से यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं पढ़ता हूँ, द कॉलम्स ऑफ पी आर लीनियरली इंडिपेंडेंट बिकॉज दे आर द कोऑर्डिनेट वेक्टर्स ऑफ द लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट बी। अब हमारे पास ये जो पी है, हमारे पास है, मैंने आपको बता दिया है कि जो मैट्रिक्स पी है इसके जो कॉलम्स होंगे वो क्या होंगे, बेसिकली वो बेसिस बी के अंदर जो वेक्टर्स हैं उनके सी कोऑर्डिनेट्स होंगे। अब बेसिस बी के अंदर जो वेक्टर्स हैं वो ऑफकोर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, क्योंकि बेसिस बनाने के लिए जो हमारे पास सेट ऑफ वेक्टर्स होते हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो मैट्रिक्स पी है वो इन्वर्टिबल है, ठीक है। लेफ्ट मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ फोर, इस इक्वेशन की दोनों साइड पर हम मल्टीप्लाई करते हैं पी फ्रॉम बी टू सी होल इनवर्स, इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास राइट साइड पे यहाँ पे पी इनवर्स इंटू पी होगा तो वो आई बन जाएगा, तो हम ना भी लिखें तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो लेफ्ट साइड पर हमारे पास यहाँ पे पी मैट्रिक्स फ्रॉम बी टू सी हमारे पास होल इनवर्स इंटू सी कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू बी कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो बेसिक इक्वेशन है वो ये वाली है, इक्वेशन फोर, जिसमें हमने कहा था कि अगर हमारे पास कोई वेक्टर स्पेस वी है उसकी दो बेसिस हैं, ठीक है, और हम कोई एलिमेंट एक्स लेते हैं तो एक्स के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे विद रिस्पेक्ट टू द बेसिस बी, अगर आप उसको पी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं विद रिस्पेक्ट टू बेसिस सी वो हमें मिल जाएंगे, ठीक है। ये ओरिजिनल इक्वेशन है, अच्छा, इसको आप दोनों साइड पे पी इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो उस केस में हमें ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी। इसका ये मतलब है कि सी कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स को अगर आप जो है ना वो चेंज ऑफ मैट्रिक्स के इनवर्स से मल्टीप्लाई करें, चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स के इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो हमें बी कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स मिल जाएंगे। ये जो है ना काफ़ी चीज़ें जो है ना आज मैंने लिखा नहीं है इतना, और आपको ज़्यादा बोल रहा हूँ, ज़्यादा समझा रहा हूँ, तो आपने मेरे वर्ड्स जो है ना उनको गौर से सुनना है ताकि आपको ये लेक्चर जो है इसकी अंडरस्टैंडिंग हो सके, ओके। ये दो क्वेश्चन आपने याद रखनी है। अब ज़रा हम जो है ना वो एग्जाम्पल पे जाते हैं, और यहाँ पे एक बात ये भी है कि हमारे पास ये जो यहाँ पे हमारे पास ये जो चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स है इसका जो इनवर्स है वो चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स के बराबर होते हैं, ठीक है। दस हमारे पास जो इस फिगर से यहाँ पे बताया गया है, लेकिन इस फिगर को अंडरस्टैंड करने की जरूरत नहीं है, आपके काम की नहीं है, जस्ट आपने याद रखना है कि हमारे पास ये जो चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स है इसका जो इनवर्स है वो इस पी के बराबर आता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चीज़ की भी अंडरस्टैंडिंग होगी। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। अब जरा हम आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, हमारे पास चेंज ऑफ बेसिस इन आर है, इसकी हम बात कर लेते हैं। इफ बी इज इक्वल टू, हमारे पास कुछ बेसिस हैं एंड ई इज़ द स्टैंडर्ड बेसिस इवन अप टू ई है, ठीक है। ये हमारे पास कोई वेक्टर स्पेस वी है जो कि आर एन के बराबर है, यहाँ पे जो वेक्टर स्पेस वी है वो आर एन के बराबर है, और इस आर एन की हमने कोई सी भी दो बेसिस नहीं है, एक हमारे पास ये बी है जिसमें सेट ऑफ वेक्टर्स में ये आर एन से बिलोंग करते हैं और ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हैं, और इनके इनकी स्पैनिंग सेट से हमें पूरा आर एन भी मिलता है, ठीक है। एक बेस ये है आर एन की, और दूसरी हमारे पास ये एक और बेस है जो स्टैंडर्ड बेस होती है, आर एन की जो स्टैंडर्ड बेस होती है वो ये वाली होती है ई वन अप टू ई है, और इसे हमने कैपिटल ई कह दी। देन बी वन ऑफ ई इज इक्वल टू बी वन, इसका क्या मतलब है कि हमारे पास ये जो बेसिस बी है इसके अंदर जो वेक्टर्स पड़े हैं बी वन का अगर हम इस बेसिस ई के लिहाज से जो है ना वो कोऑर्डिनेट्स अगर हम लिखते हैं तो वो बी वन के बराबर ही आए, क्योंकि हमारे पास ये स्टैंडर्ड बेसिस है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख के समझा देता हूँ, हमारे पास यहाँ पे ये जो बेसिस बी का पहला वेक्टर बी वन है इसके जो सी कोऑर्डिनेट्स, यहाँ पे जो हमारे पास पिछली हमने पहले पढ़ा था कि सी बेसिस होनी चाहिए, ठीक है, यहाँ पर हमने उस बेसिस को ई कह दिया, तो बी वन जो हमारे पास वेक्टर है इसके जो ई कोऑर्डिनेट्स है मतलब विद रिस्पेक्ट टू द बेसिस ई वो बी वन के बराबर ही आए, ठीक है। एंड लाइक वाइज फॉर द अदर वैक्टर्स इन बी, इसी तरह से हमारे पास जो बी टू वैक्टर है बेसिस बी के अंदर उसके विद रिस्पेक्ट टू अगर बेसिस ई कोऑर्डिनेट्स हम लिखते हैं उसे हम बी टू के इक्वल लिख सकते हैं। इन दिस केस पी हमारे पास जो मैट्रिक्स होगा इज द सेम एज द चेंज ऑफ द कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स पी बी, इस केस में हमारे पास जो मैट्रिक्स होगा वो दोनों सेम होंगे, जो चेंज ऑफ मैट्रिक्स पी है ये दोनों सेम होंगे, ये और ये सेम होंगे, ठीक है। जो हमने लेक्चर नंबर 23 में जो है ना वो पी बी जो हमने वहाँ पे डिस्कस किया, नेमली हमारे पास यहाँ पे जो पी बी होगा वो इसके इक्वल ही होगा। इस थ्योरम को जस्ट मैं आपको आसान वर्डिंग में अगर मैं समझूँ तो पिछले थ्योरम में हमने क्या कहा था, पिछले थ्योरम में हमने ये कहा था कि अगर हमारे पास किसी वेक्टर स्पेस बी की दो बेसिस हैं बी और सी, कोई वेक्टर स्पेस बी है
इसकी दो बेसिस हैं, एक बी है और एक सी है हमारे पास। तो हमारे पास जो चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स बनेगा फ्रॉम बी टू सी वो किसके बराबर होगा? बेसिकली उसका जो पहला कॉलम होगा वो बेसिस बी के अंदर जो पहला वेक्टर है उसके विद रिस्पेक्ट टू बेसिस सी कोऑर्डिनेट्स होंगे, और इस पी मैट्रिक्स का जो दूसरा कॉलम होगा वो बेसिस बी के अंदर जो दूसरा वेक्टर है बी टू उसके विद रिस्पेक्ट टू द बेसिस सी कोऑर्डिनेट्स होंगे, एंड सो ऑन अप टू बी एन, और इस बी एन वेक्टर के विद रिस्पेक्ट टू द बेसिस सी जो है ना वो कोऑर्डिनेट्स, ये सारे कॉलम मिलके एक जो मैट्रिक्स बनाते हैं उसको हम चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स पी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर बी और सी दो बेसिस। अच्छा, यहाँ पर जो आर एन की उसने बात की है, आर एन में उसने ये कहा है कि अगर हमारे पास ये कोई बेस हो बी और ये हमारे पास कोई दूसरी बेस है जो कि आर एन की स्टैंडर्ड बेस है ई वन ई टू अप टू ई एन, तो यहाँ पर भी हमने जो मैट्रिक्स पी बनाना है ना, जो मैट्रिक्स पी जो कि बी से सी की तरफ होता है उसको आप सिंपल पी बी भी लिख सकते हैं, और वो किसके बराबर आता है? इसमें जो हमारे पास उसने कहा है कि जो बेसिस बी का पहला वेक्टर है बी वन उसके विद रिस्पेक्ट जो दूसरी बेस है वो ई है, उसके ई के लिहाज से अगर आप उसकी कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं तो वो बी वन ही आएंगे। सिमिलरली जो बेसिस बी के बाकी वेक्टर्स हैं उनको भी अगर हम बेसिस ई के रेस्पेक्ट से उसकी कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, मतलब ई कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी एन ई कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी वन एंड सो ऑन, वो मतलब वही आते हैं। तो यहाँ पर आप इस मैट्रिक्स पी जो कि बी से सी की तरफ है, या सिंपल आप उसको पी भी लिख सकते हैं, इसके जो कॉलम्स होंगे वो सिंपल बेसिकली जो बेसिस है ना उसके वेक्टर्स होंगे बी वन बी टू बी थ्री अप टू पी। यहाँ पे हमें बी वन के जो कोऑर्डिनेट्स विद रिस्पेक्ट टू द बेसिस ई हैं वो बी वन के ही बराबर होते हैं, तो यहाँ पर हम बी वन ऑफ ई जो है ना वो बी वन के बराबर लिख सकते हैं। इस वजह से यहाँ पर उसने ये लिख दिया। ठीक है, ये आपने परेशान नहीं होना, स्टैंडर्ड बेसिस के केस में ऐसे ही होगा। अच्छा, हमने काफ़ी टाइम लगा दिया है, आप ज़रा हम आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जाम्पल है उसको हम ज़रा अभी गो थ्रू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर टू है हमारे पास, लेट डी इज इक्वल टू डी वन डी टू डी थ्री, हमारे पास कोई बेस है जिसे हमने डी कह दिया, एंड एफ इज इक्वल टू एफ वन एफ टू एफ थ्री, ये हमारे पास कोई दूसरी बेस है जो कि वेक्टर स्पेस वी की बेसिस है, वेक्टर स्पेस वी हमारे पास है, उसकी कोई सी दो बेसिस हमने जो है ना वो एलेक्ट कर ली हैं, एक डी है हमारे पास, ठीक है, और दूसरी हमारे पास एफ है। एंड सपोज दैट एफ वन इज इक्वल टू टू डी वन माइनस डी टू प्लस डी थ्री, ये कैसे लिखा है? देखो, हमारे पास फॉर द मोमेंट आपने ये कंसिडर करना है कि हमारे पास ये जो है ना ये वेक्टर स्पेस वी है और इस वेक्टर स्पेस वी की ये कोई बेस है, आपने ये फॉर द मोमेंट कंसीडर कर दिया। ठीक है, अब ये जो वेक्टर स्पेस वी की बेस है डी, इस बेस का क्या मतलब है कि वेक्टर स्पेस वी के कोई से भी एलिमेंट हम लें तो उनको हम इस डी बेसिस के लीनियर कम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने वेक्टर स्पेस वी में से हमने कोई एलिमेंट एफ वन लिया है, एफ वन हमने क्यों लिया है? क्योंकि हमें पता है कि यार एफ वन एफ टू एफ थ्री जो है ना ये क्योंकि ये बेसिस है ना v की, तो बेसिस है तो ऑफकोर्स ये वेक्टर स्पेस v के ही कोई एलिमेंट्स है ना जो कि सर्टन कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तो वो बेसिस बन जाते हैं, जिनको हमने f कह दिया। तो f1 हमने एक एलिमेंट ले लिया, f1 को हमने फॉर द मोमेंट ये कंसिडर किया है कि ये वेक्टर स्पेस v की बेसिस है, ठीक है, जो कि गिवन है। तो इस f1 एलिमेंट को जो कि वेक्टर स्पेस v से बिलोंग करता है इसे हम इस बेसिस के लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, और यहाँ पे जो वेट्स हैं उसने हमें बताए हुए हैं वो 2 है, 2d1 माइनस 1d2 माइनस 1 प्लस 1d3, यहाँ पे वेट्स उसने बताए हुए हैं। वैसे कोई भी जो बेस होती है किसी वेक्टर स्पेस की उसका ये मतलब होता है कि वेक्टर स्पेस v का कोई से भी हम एलिमेंट लें तो उस बेस के लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, और लीनियर कम्बिनेशन के अंदर वो जो वेट्स होते हैं उसने हमें यहाँ पे इस एग्जाम्पल के अंदर खुद से दिए हुए हैं। ठीक है, एफ वन को हमने इस डी बेस के लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा, एफ टू हमने कोई दूसरा एलिमेंट दिया वेक्टर स्पेस वी में से उसको भी हमने इस डी मैट्रिक्स के लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा, सिमिलरली एफ थ्री हमने एक एलिमेंट लिया, सिमिलरली हम वेक्टर स्पेस वी में से कोई एलिमेंट एफ थ्री लेते हैं, और एफ थ्री क्योंकि हमारे पास ये वेक्टर स्पेस वी से बिलोंग करते हैं और हमारे पास ये जो डी है ये वेक्टर स्पेस वी की बेसिस हमने कहा है तो इस एफ थ्री एलिमेंट को इस बेसिस के लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, और यहाँ पर एफ थ्री की जो वैल्यू है वो बाई यूजिंग सम वेट्स उसने हमें यहाँ पर खुद बताए हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने एफ वन एफ टू और एफ थ्री जो कि वेक्टर स्पेस वी से बिलोंग करते हैं उनको हमने इस बेसिस बी के लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिख लिया, ये चीज़ें हमारे पास गिवन है। ठीक है ना, जस्ट मैं आपको सिखाना चाह रहा था कि आपको अंदाज़ा हो जाए कि एफ वन एफ टू और एफ थ्री कैसे लिखे हैं। ठीक है, अच्छा अब हमें जो चीज़ फाइंड करनी है उस पर जाते हैं।
पार्ट ए हमारे पास फाइंड द चेंज ऑफ द कोऑर्डिनेट्स मैट्रिक्स फ्रॉम एफ टू डी। अच्छा एक बात मैं आपको बताना भूल गया हूँ, जब मैंने आपको बताया था कि जो चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स होता है फ्रॉम बी टू सी था, लेकिन चलो हम यहाँ पे इस एग्जांपल के लिहाज से कर लेते हैं, यहाँ पे एफ टू डी है, चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स एफ टू डी हमने जो है ना ये कैलकुलेट करना है। और मैंने आपको बताया था कि जो चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स होता है इसके जो कॉलम्स होते हैं वो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे जो लिखा होता है ना, यहाँ पे जो बेस लिखी होती है उसके अंदर जो वेक्टर्स होते हैं उनका हम इस बेस के लिहाज से जो है ना वो कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं। ये चीज़ मैंने आपको पहले नहीं बताई थी, इसका फार्मूला तो मैंने आपको बता दिया था पहले। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स पी है फ्रॉम एफ टू डी, ये बेसिकली किसके बराबर होगा, दिस विल बी इक्वल टू, इसका जो पहला कॉलम होगा, इस मैट्रिक्स पी का जो पहला कॉलम होगा वो इस हमारे पास यहाँ पे जो लिखा होगा ना बेस, उसका पहला वेक्टर आपने लेना है जो कि एफ़ वन है। देखिए इस बेस एफ का पहला वेक्टर एफ़ वन है और एफ़ वन का आपने जो दूसरी बेस डी है ना इसके लिहाज से आपने कोऑर्डिनेट जो है ना वो फाइंड करने हैं। उसके बाद पी मैट्रिक्स का जो दूसरा कॉलम होगा वो बेसिकली इस एफ मैट्रिक्स एफ जो बेस है उसका दूसरा वेक्टर आपने लेना है और उस दूसरे वेक्टर का विद रिस्पेक्ट टू इस दिस सेकंड हमारे पास जो ये बेस डी है उसके लिहाज से आपने कोऑर्डिनेट लिखना है। उसके बाद हमारे पास जो तीसरा कॉलम होगा इस चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स का वो बेसिकली इस बेस एफ का जो तीसरा वेक्टर एफ थ्री है उसका आपने विद रिस्पेक्ट टू जो बेस डी है वो कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्योंकि बेस के अंदर तीन ही एलिमेंट्स हैं, इधर भी तीन एलिमेंट्स हैं, तो इस वजह से यहाँ पर हमारे पास तीन ही कॉलम्स आएंगे। ठीक है, तो ये तीन कॉलम्स आपने जो है ना वो फाइंड करने हैं, बहुत आसान सा है ये, यहाँ पर ये लिखा भी है, वैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपके पास पी मैट्रिक्स है, चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स फ्रॉम एफ टू डी, दिस इज इक्वल टू, ये जो मैट्रिक्स है इसका जो पहला कॉलम होगा वो एफ, हमारे पास जो एफ जो बेस है उसका पहला आपने वेक्टर लेना है, उस पहले वेक्टर एफ वन का विद रिस्पेक्ट टू द बेस डी जो है ना वो आपने कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एफ वन एफ टू एफ थ्री की वैल्यू गिवन है। ये जो आपके पास एफ वन है, इस एफ वन के क्योंकि हमारे पास इस एफ वन को हमने द बेस डी जो है ना उस डी के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा है, तो यहाँ पर जो एफ वन का कोऑर्डिनेट्स आएंगे उसे हम डी कहेंगे, क्योंकि हमने विद रिस्पेक्ट टू द बेसिस डी को लिखा है ना, तो इस वजह से यहाँ पर एफ वन जो हमारे पास एलिमेंट है इसके जो डी कोऑर्डिनेट्स होंगे या डी कोऑर्डिनेट्स ऑफ एफ वन भी इसको बोल सकते हैं, दिस विल बी इक्वल टू द वेट्स, इस लीनियर कॉम्बिनेशन के अंदर जो वेट्स हैं वो कौन कौन से हैं, जो कोफिशिएंट्स हैं टू माइनस वन और वन, यहाँ पर आ जाएगा टू माइनस वन और वन। तो हमारे पास एफ वन का जो एलिमेंट है उसका विद रिस्पेक्ट टू द बेस डी जो कोऑर्डिनेट्स है वो टू माइनस वन और वन है। इसी तरह से एफ टू हमारे पास जो एलिमेंट है यहाँ पे ये लिखे हैं, वैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये एफ वन के लिखे हैं, एफ टू के लिखे हैं और फिर एफ थ्री के लिखे हैं। ठीक है, इन्हीं तीन इक्वेशन से एफ वन एफ टू एफ थ्री जो हमारे पास गिवन है यहीं से आपने इन तीनों एलिमेंट्स के विद रिस्पेक्ट टू द बेस डी जो है ना वो कोऑर्डिनेट्स लिख दिए। कोऑर्डिनेट्स लिखने के बाद ये जो तीन कॉलम्स हैं इन तीनों कॉलम्स को आपने जस्ट यहाँ पे इसमें पुट करना है, एफ वन डी एफ टू डी एफ थ्री, यहाँ पे तीनों कॉलम्स बारी बारी पुट करेंगे तो हमारे पास ये चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स जो पी है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, होप्स हो कि आपको इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग हो गई है। अब ज़रा हम आगे मूव करते हैं इस दूसरे पार्ट में, इस एग्जांपल नंबर टू के जो दूसरा पार्ट है उसमें हमने क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड एक्स कोऑर्डिनेट्स विद रिस्पेक्ट टू द बेस डी फॉर एक्स इज इक्वल टू एफ वन माइनस टू एफ टू प्लस टू एफ थ्री। तो यहाँ पर हमने वेक्टर स्पेस बी का कोई एलिमेंट एक्स लिया है और उस एलिमेंट एक्स को हमने विद रिस्पेक्ट टू द बेस एफ जो है ना उसके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख लिया। हमने एक एलिमेंट एक्स लिया जो कि वेक्टर स्पेस बी से बिलोंग करता है। अब हमने ये पार्ट नंबर टू में ये कंसीडर करना है कि ये बेस है हमारे पास, तो अगर ये वेक्टर स्पेस बी की बेस है उसका मतलब है कि वेक्टर स्पेस बी में से हम कोई सा भी एलिमेंट एक्स लेते हैं तो एक्स को हम इस बेस के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म जो है ना वो हमारे पास गिवन है यहाँ पे, वन एफ वन माइनस टू एफ टू प्लस टू एफ थ्री। तो यहाँ पर हमारे पास इस एलिमेंट एक्स को हमने बेस एफ के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा है, तो यहाँ पे हमारे पास जो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं विद रिस्पेक्ट टू द बेस एफ वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वो क्या है बेसिकली वन है माइनस टू है और टू है। और हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है इस एलिमेंट एक्स के जो डी कोऑर्डिनेट्स हैं, मतलब इस बेस डी के लिहाज से हमारे पास जो उसके कोऑर्डिनेट्स आते हैं वो हमने फाइंड करना है। तो हमने किस तरह से फाइंड करने हैं मैं आपको दिखा देता हूँ, इस चीज़ को मैं थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ। पार्ट नंबर बी में हमें कह रहा है कि फाइंड एक्स कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू द बेस डी
फॉर एक्स इज इक्वल टू एक्स, हमारे एक्स की वैल्यू हमारे पास गिवन है, एक्स की वैल्यू कहाँ से आई है क्योंकि वेक्टर स्पेस वी से बिलोंग करता है, और इस एक्स को हम इस बेस एफ के लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि बेस का मतलब यही होता है कि हम उस वेक्टर स्पेस के जो बाकी एलिमेंट्स हैं उसको हम बेस के लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकें। तो यहाँ पे जो एक्स एलिमेंट हमने वेक्टर स्पेस वी में से लिया है उसका विद रिस्पेक्ट टू द एफ बेस जो है ना वो लीनियर कम्बिनेशन यहाँ पे गिवन है, और हमारे पास यही इस लीनियर कम्बिनेशन को देखते हुए मैं लिख सकता हूँ कि जो एक्स के कोऑर्डिनेट्स है विद रिस्पेक्ट टू द एफ वो बराबर है 1 - 2 और 2, जो कोफिशिएंट्स होते हैं, जो वेट्स होते हैं। और हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है द डी कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स, मतलब इस बेस डी के लिहाज से जो एक्स की कोऑर्डिनेट्स है वो हमने कैलकुलेट कर दी। ओके, मैं जरा आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। अब हमारे पास यहाँ पे फाइंड ये एग्जांपल नंबर 1 की तरह है बिल्कुल, हमने ये फाइंड करना है ना एक्स कोऑर्डिनेट्स विद रिस्पेक्ट टू द बेस डी हमने फाइंड करना है, क्योंकि हमारे पास जो कोऑर्डिनेट मैपिंग होती है वो लीनियर होती है। यहाँ पर आप एक्स की वैल्यू पुट करें, एक्स की वैल्यू पार्ट नंबर बी में गिवन है, यहाँ पर पुट की f1 - 2f2 + 2f3, ये मैंने एक्स की वैल्यू पुट कर दी और बाय डी लिख दिया। अब क्योंकि कोऑर्डिनेट मैपिंग जो है ना वो लीनियर होती है तो यहाँ पर डी अप्लाई कर सकते हैं हर एक के ऊपर, f1 ऑफ d - 2 बाहर आ जाएगा क्योंकि ये लीनियर मैपिंग है, तो हमारे पास f2 ऑफ d हो जाएगा +2 बाहर आ जाएगा और यहाँ पे f3 ऑफ d आ जाएगा। ठीक है, यहीं पर यहाँ पर ऐसा ही कुछ लिखा हुआ आप देख सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे जो f1 है उसका विद रिस्पेक्ट टू d, f2 विद रिस्पेक्ट टू d, और f3 जो हमारे पास बेस f के अंदर जो वेक्टर f3 है उसका विद रिस्पेक्ट टू द बेस d जो कोऑर्डिनेट्स है वो यहाँ पे हमारे पास गिवन है। ठीक है, आपको दिखा भी देता हूँ, ये हमारे पास जो है ना ये यहाँ से हमने कैलकुलेट की है, इन तीनों की वैल्यूज़ आपने यहाँ पे पुट करनी है, उसके बाद जो बाहर हमारे पास ये 1 - 2 और 2 ऐसे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करेंगे तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास वो मैट्रिक्स है, इसको आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स आ जाएगा -4 - 7 और 3। यहाँ पर उसने एक स्टेप एक्स्ट्रा किया हुआ है, ये वाला जो स्टेप है ये मैंने आपको बताया था कि किसी भी लीनियर कॉम्बिनेशन को हम प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स एंड कॉलम लिख सकते हैं। अगर आप इसको नहीं लिखना चाहते तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, आप जस्ट यहाँ पे इस f1 ऑफ d, f2 ऑफ d और f3 ऑफ d की वैल्यू पुट करें, बाहर हमारे पास जो नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करें 1 - 2 और 2 से, और तीनों मैट्रिक्स को आप ऐड कर लें। ऐड करने के बाद हमारे पास जो सिंगल मैट्रिक्स आएगा वो यही आएगा। ठीक है, -4 - 7 और 3, ये बीच में आप प्रोडक्ट आप मैट्रिक्स एंड वेक्टर्स जो है ना जो हमने लीनियर कॉम्बिनेशन को लिखा है इस फॉर्म में आप ना भी लिखें तब भी सही है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें ये कैसे लिखा है ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। जब भी हमारे पास कोई लेट्स सपोज एक्स हमारे पास कोई एलिमेंट है उसको हमने यहाँ पर जो बेस गिवन है डी उसके रिस्पेक्ट से हमने उसके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा c2 b2 + c3 b3। हमारे पास कोई एक्स एलिमेंट है जो कि वेक्टर स्पेस बी से बिलोंग करता है और डी हमारे पास जो है वो वैक्टर स्पेस वी की जो है ना वो बेसिस है। ठीक है, ये हमारे पास जो डी है वो वैक्टर स्पेस वी की बेसिस है जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं d1 d2 d3। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन बना है इसको हम इस लीनियर कॉम्बिनेशन को हम प्रोडक्ट ऑफ ए मैट्रिक्स एंड वेक्टर लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा d1 d2 b3 और यहाँ पे बाहर आ जाएगा c1 c2 c3। ठीक है, तो इसको आप मल्टीप्लाई करें तो यही बनता है। तो यहाँ पर भी उसमें कुछ ऐसे ही लिखा हुआ है। हमारे पास यहाँ पे एक नज़र मैं आपको दिखा देता हूँ, हमारे पास यहाँ पे जो ये वाली इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन ये हमारे पास लीनियर कम्बिनेशन है। ठीक है, इसको आपने प्रोडक्ट ऑफ ए मैट्रिक्स एंड ए वेक्टर लिखा, हमारे पास ये वाली फॉर्म बन गई, पहला मैट्रिक्स है और दूसरा ये वेक्टर है, जैसे आप कॉलम मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्म में लिख लिया, उसके बाद हमारे पास ये जो पहले वाला है ना इसकी वैल्यू तो हमें पता है। ठीक है, बेसिकली वो पी मैट्रिक्स है जो कि चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स है, इसकी वैल्यू पुट की उसके बाद इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो यहाँ पे आएगा वो रिजल्ट वो ये आ जाएगा। ये बेसिकली जो हमारे पास है ना ये एक्स जो एलिमेंट है उसका विद रिस्पेक्ट टू द बेस डी जो है ना वो कोऑर्डिनेट्स आ। होप सो कि आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। अब जरा हम एग्जांपल नंबर 3 पे मूव करते हैं बच्चों, एग्जांपल नंबर 3 भी ऐसे। अब जरा हम एग्जांपल नंबर 3 पे मूव करते हैं। एग्जांपल नंबर 3 में चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स को फाइंड करने का एक अलहदा तरीका जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को, लेट b1 = -9, 1 b2 = -5 - 1 and c1 = 1 - 4 c2 = 3 - 5 एंड कंसीडर द बेसिस फॉर R2 गिवन बाय b इज इक्वल टू दिस एंड c इज इक्वल टू दिस। हमारे पास R2 कोई वेक्टर स्पेस है और इस वेक्टर स्पेस में से हमने कोई सी भी दो बेसिस नहीं है b और c। ठीक है,
बी के हमारे पास जो वेक्टर्स हैं वो भी गिवन है और जो सी के वेक्टर्स हैं वो भी गिवन है। फाइंड द चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट्स मैट्रिक्स फ्रॉम बी टू सी, हमने एक चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स जो है वो बी से सी जो है ना वो फाइंड करना है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर वन में मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया था इस चीज़ का। फॉर द मोमेंट आपने ये कंसिडर करना है, ये हमारे पास देखें दो बेसिस गिवन है बी और सी जो कि वेक्टर स्पेस आर टू की बेसिस, ठीक है। हमने फाइंड क्या करना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हमने एक मैट्रिक्स पी जो है ना जो कि चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स है वो फाइंड करना है फ्रॉम बी टू सी, ये आपने कैलकुलेट करना है, ओके। एक तरीका तो ये है कि हमारे पास हमें पता है कि ये जो चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स फ्रॉम बी टू सी होता है ये किसके बराबर होता है, दिस इज इक्वल टू, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे बी से सी की तरफ जा रहे हैं तो बी बेसिस जो है उसके जो पहला वेक्टर है उसका आपने सी के लिहाज से जो है ना वो कोऑर्डिनेट लिखना है और ये पी मैट्रिक्स का पहला कॉलम बन जाएगा। उसके बाद पी मैट्रिक्स का जो दूसरा कॉलम होगा वो इस बेस बी का जो दूसरा वेक्टर है उसका विद रिस्पेक्ट टू सी बेस आपने कोऑर्डिनेट यहाँ पे लिखना है, तो बी टू विद रिस्पेक्ट टू द कोऑर्डिनेट सी, ठीक है, ये आ जाएगा। अब अगर हमारे पास बी वन जो एलिमेंट है बेस बी का उसका विद रिस्पेक्ट टू सी हमारे पास जो कोऑर्डिनेट है वो तो गिवन हो और B2 के विद रिस्पेक्ट टू सी बेस कोऑर्डिनेट गिवन हो तो हम यहाँ पे पुट करें हमें मैट्रिक्स P मिल जाए, लेकिन यहाँ पे तो गिवन नहीं है, यहाँ पे तो B1 और B2 दोनों गिवन है लेकिन B1 के विद रिस्पेक्ट टू सी जो वो कोऑर्डिनेट्स गिवन नहीं है, ठीक है। तो आपने करना बच्चों ये है, ये वाला मेथड तो यहाँ पे फेल हो जाता है, इस तरह तो हम नहीं कर सकते। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर B1 विद रिस्पेक्ट टू सी जो है ना फाइंड करना पड़ेगा और सी कोऑर्डिनेट ऑफ B2 फाइंड करना पड़ेंगे, या मतलब B2 का विद रिस्पेक्ट टू सी जो है ना कोऑर्डिनेट ये फाइंड करना पड़ेगा। अगर ये दोनों फाइंड हो जाते हैं तो उसके बाद फिर हम ये मेथड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा हमें करना ही है ना, मैं जरा इसको रेज करता हूँ, सॉल्यूशन की बात करते हैं। द मैट्रिक्स पी फ्रॉम बी टू सी इन्वॉल्व्स द सी कोऑर्डिनेट वेक्टर्स ऑफ बी वन एंड बी टू, ये मैंने आपको लिख के बता दिया है। जो मैट्रिक्स पी है उसके जो हमारे पास कॉलम्स होंगे, पहला कॉलम जो होगा ना वो बेसिकली इस बी हमारे पास जो बेस है इसके जो वेक्टर्स हैं उनका हमने सी कोऑर्डिनेट्स लिख रहे हैं। यहाँ पे ये लिखा हुआ है द मैट्रिक्स पी इन्वॉल्व्स द सी कोऑर्डिनेट वेक्टर्स ऑफ बी वन एंड बी टू, मतलब बी वन का सी कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स पी के अंदर है और उसके बाद बी टू का सी कोऑर्डिनेट ये भी मैट्रिक्स पी के अंदर है। लेट बी वन ऑफ सी इज इक्वल टू एक्स वन एक्स टू एंड बी टू ऑफ सी इज इक्वल टू वाई वन वाई टू, ये हमने लेट कर लिया। अच्छा ये हमने लेट कैसे किया है, हमारे पास ये R2 की दो बेसिस हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, हम लेट करते हैं कि हमारे पास R2 जो वेक्टर स्पेस है उसकी बेस C जो है ना वो यहाँ पे गिवन है। अगर बेस हमारे पास C जो है ना वो R2 की बेस है तो उसका क्या मतलब है कि R2 के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम इस बेस के लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमने बी वन कोई एलिमेंट ले लिया आर टू का, आपने फॉर द मोमेंट ये नहीं सोचना है कि ये भी बेस है, ठीक है ना, ऑफकोर्स ये बेस है, ठीक है ना, गिवन है यहाँ पे। बेस के जो एलिमेंट्स हैं वो भी आर टू से ही बिलोंग करते हैं, लेकिन आपने अभी के लिए ये सोचना है कि यार ये हमारे पास आर टू कोई वेक्टर स्पेस है और ये उसकी बेस है। अगर ये आर टू की बेस है तो मतलब आर टू के जो बाकी एलिमेंट्स हैं उसको हम इस सी बेस की लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आर टू का हमने एक एलिमेंट लिया बी वन, अब बी वन को हमने इस सी जो बेस है उसके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे एक्स वन वेट है C1 प्लस X2 दूसरा वेट है C2, इस तरह लिख लिया। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा हमने R2 का एलिमेंट लिया वो B2 कोई एलिमेंट है, उसको भी हमने इस बेस के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखना है। आपको सब लिख सकते हैं, ठीक है ना, मैंने आपको बताया है कि जो भी किसी वेक्टर स्पेस की बेस होती है, बेस का मतलब यही है कि वो पूरी R2 को या पूरी स्पेस को जनरेट करता है। तो R2 के जो बाकी एलिमेंट्स हैं उसको हम इसके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कह दिया वाई वन सी वन प्लस वाई टू सी टू, ठीक है। ये जो बी वन है यहाँ पर ये वाला, इसके जो विद रिस्पेक्ट टू द बेस सी कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, फिर यहाँ पे वेट्स क्या है, यहाँ पे एक्स वन एक्स टू, यहाँ पे एक्स वन आ गया, यहाँ पे एक्स टू आ गया, तभी यहाँ पे उसने डायरेक्ट यहाँ पे गिवन है दिए हुए। सिमिलरली हमारे पास ये जो बी टू है इसके जो विद रिस्पेक्ट टू द बेस सी कोऑर्डिनेट्स होंगे वो भी आपने यहाँ पर जो वेट्स हैं वाई वन और वाई टू, ये वाई वन और वाई टू अभी वेट्स हैं यहाँ पे, ठीक है ना, नेम चेंज है। अच्छा ये दोनों वेट्स हैं ये हमारे पास, हमने लेट कर लिए, ये उसने लेट कर लिए, मैंने आपको बता दिया कि ये कहाँ से आते हैं, ठीक है। देन बाय डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या है कि हमारे पास यहाँ पे C1 C2 इंटू एक्स वन एक्स टू वन इज इक्वल टू बी वन होता है। ये कहाँ से लिखा है, बेसिकली
यहाँ पर जो भी मैंने सारा लिखा था बी वन इज इक्वल टू एक्स वन सी वन प्लस एक्स टू सी टू, वो जो एक्स वन सी वन प्लस एक्स टू सी टू था ना, मैं चलिए दोबारा से लिख देता हूँ, बी वन को जो हमने सी बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा था एक्स वन सी वन प्लस एक्स टू सी टू, यहाँ पर ये जो राइट साइड पे लीनियर कॉम्बिनेशन है इसे हम प्रोडक्ट ऑफ ए मैट्रिक्स एंड कॉलम लिख सकते हैं। यहाँ पर ये आ जाएगा सी वन सी वन सी टू, ये हमारे पास आ गया, और यहाँ पे हमारे पास जो कॉलम मैट्रिक्स बनेगा या वेक्टर बनेगा वो क्या बनेगा, एक्स वन एक्स टू, ये बेसिकली बी वन के बराबर है। तो यहाँ पर उसमें यही लिखा हुआ है कि सी वन सी टू इंटू एक्स वन एक्स टू इज इक्वल टू बी वन, और इसी तरह से जो दूसरी इक्वेशन मैंने यहाँ पे पहले लिखी थी उसको भी हमने इस तरह प्रोडक्ट ऑफ ए मैट्रिक्स एंड कॉलम लिख लिया, इसके बराबर आ गए। अब हमारे पास ये दो सिस्टम्स हैं, ठीक है, ज़रा मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारे पास सी वन सी टू और यहाँ पर भी सी वन सी टू दोनों की वैल्यूज गिवन है, बी वन बी टू की भी वैल्यूज गिवन है। इसको अगर मैं इक्वेशन वन कहूँ तो इक्वेशन वन में यहाँ पे वैल्यूज पुट करता हूँ, सी वन कितने हैं जी, सी वन हमारे पास वन माइनस फोर है, यहाँ पे पुट किया वन माइनस फोर, सी टू हमारे पास कितने हैं जी, थ्री माइनस फाइव है, इंटू एक्स वन एक्स टू इज इक्वल टू बी वन बी टू। अब बी वन हमारे पास क्या है, बी वन हमारे पास गिवन है माइनस नाइन है वन है, इसको हमने इक्वेशन वन कह दिया, वन स्टेरिक कह देते हैं, वन को उसको बोला था वन स्टेरिक, ये हमारे पास टू है। तो इस इक्वेशन टू को अगर हम इसमें वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास यहाँ पर एक और मैट्रिक्स इक्वेशन बन जाएगी, सी वन सी टू की वैल्यू वही आएगी वन माइनस फोर थ्री माइनस फाइव, और यहाँ पे जो अननोन है वो वाई वन और वाई टू है, और आपको याद रहे कि ये जो एक्स वन एक्स टू है ना ये किसके बराबर है, बी वन ऑफ सी के बराबर है, और y1 y2 किसके बराबर है, b2 ऑफ c, मतलब c कोऑर्डिनेट्स ऑफ b2 और यहाँ पर c कोऑर्डिनेट्स ऑफ b1। राइट साइड पे आप यहाँ पे b2 की वैल्यू पुट कर दें जो गिवन है माइनस फाइव माइनस वन, ये हमारे पास इसको हम कह देते हैं ये टू स्टेरिक। अब ये दो मैट्रिक्स इक्वेशन बनी है, इन दोनों को आपने सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर इनका आपने जो है ना ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लेना है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे, हमारे पास देखिए हमारे पास ये और ये दोनों सेम हैं, इसको यहाँ पर आपने ये सी वन सी टू आ गया, चलिए मैं इसको रेज कर देता हूँ और आपको यहाँ से सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। हमारे पास यहाँ पे जो हमने दो इक्वेशंस बनाई थी मैट्रिक्स इक्वेशन उनका हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाया, तो ये वाला बन गया सी वन सी टू वैसे आएगा वो जो पहला मैट्रिक्स था, और यहाँ पे हमारे पास राइट साइड पे जो बी वन और बी टू थे उनको हमने इकट्ठा करके किया, ये बी वन और ये बी टू है। अब यहाँ पे आप इसमें इसको सॉल्व कर रहे हैं बाय यूजिंग रो ऑपरेशन, इस पर आपने रो ऑपरेशन लगाने हैं, ये हमारे पास लेफ्ट साइड पे पहला नॉन जीरो एलिमेंट है रो का, पहली रो का, इसके नीचे जितने भी एलिमेंट्स उनको आपने जीरो बनाना है, तो हमने ये ऑपरेशन यूज़ किया आर टू प्लस फोर आर वन, तो ये जीरो बन गया। उसके बाद हमारे पास अब स्टेप नंबर टू में जाके आपने लेफ्ट साइड पे सबसे पहले वाला जो नॉन जीरो एलिमेंट है वो सेवन है, सेवन को सबसे पहले आपने वन बना लिया, वन बना सकते हैं हम इसको अगर हम वन बाई सेवन से आर टू को मल्टीप्लाई करें, वन बनाने के बाद इसके नीचे तो एलिमेंट है ही नहीं तो हम कुछ नहीं कर सकते, ये एचलन फॉर्म है। अब रेड्यूस एचलन फॉर्म में जाने के लिए आप ये जो लास्ट वाला पिवट एलिमेंट है इसके ऊपर जो एलिमेंट है उसको आपने जीरो बनाना है, तो ये वाला ऑपरेशन यूज़ करना है आपने, ठीक है, तो हमारे पास ये भी जीरो बन जाएगा। अब हमारे पास ये जो पहले दो कॉलम्स हैं ये बेसिकली आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया पूरा, और राइट साइड पे जो हमारे पास पहले और मैट्रिक्स था अब वो हमारे पास ये सिक्स फोर माइनस फाइव माइनस थ्री बन गया। ये जो पहला हमारे पास वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है, ये हमारे पास x1 और x2 की वैल्यू है, और ये हमारे पास y1 और y2 की वैल्यू है। तो आपने जस्ट यहाँ पे x1 x2 y1 y2 की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, यहाँ पर सॉरी इधर पुट करेंगे तो आपको c कोऑर्डिनेट्स ऑफ b1 और c कोऑर्डिनेट्स ऑफ b2 मिल जाएंगे। तो आपने जस्ट यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट करनी है, पुट करने के बाद अब आपको पता है कि जो चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स p है उसके जो कॉलम्स हैं वो बेसिकली क्या है, सी बी वन और सी बी टू, यहाँ पर मतलब सी कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी वन और सी कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी टू दोनों यहाँ पे पुट करें तो आप उसके बाद यहाँ पे जो चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स भी है वो आपको इजीली मिल जाएगा। ओके, अब जरा जो पार्ट नंबर इसका टू अगर एग्जांपल लगाया उसको भी हम देख लेते हैं, यस पार्ट नंबर टू इसका नहीं है, होप्स हो कि आपको इस एग्जांपल की अंडरस्टैंडिंग होगी है। एग्जाम्पल नंबर फोर भी बच्चों आपने ऐसे ही करनी है, आप काइंडली इसको ट्राई कीजिएगा, ये एग्जाम्पल नंबर थ्री की तरह ही है, अगर आपसे ना हुई तो फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिएगा। इसका जो बी पार्ट है उस बी पार्ट में हमने वो वाला फार्मूला यूज़ करना है जिसमें हमने कहा था कि जो चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स का पी और चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स पी और जो उसका इन्वर्स होता है वो दोनों बराबर होते हैं, उसी को यूज़ करके हमने यहाँ पर जो बी पार्ट है उसको सॉल्व किया। आप कहीं इसको एक नज़र देख लीजिएगा और एग्जाम्पल नंबर थ्री का जो कंसेप्ट है उसको यूज़ करते हुए आपने इसको सॉल्व करना है। एग्जाम्पल नंबर फाइव भी वैसे ही आप इसको ट्राई कीजिएगा। आज का ये लेक्चर हमारा छोटा सा था, एग्जाम्पल नंबर सिक्स को आप बेशक छोड़ दें, इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे इसकी एक्सरसाइज है।
अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।